I am Komal Pal from Sivasman Institute of Forensic Science. I am here to tell you about computer memory and processor. Computer memory is a storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. This memory is divided into large number of small pods called cells. Each location or cell has a unique address which varies from 0 to memory size minus 1. Basically, computer memory is a storage space in the computer where you are working, जो भी आपने डाटा स्टोर करना है वो कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर होता है। बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो इस वजह से उसको बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम सेल्स कहते हैं। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि जीरो से लेकर मेमोरी साइज जो भी है, जैसे अगर आपकी हार्ड डिस्क है उसका साइज अगर आपका 500 GB है, तो उसके 500 GB-1 की जो भी वैल्यू आएगी वो आपके लोकेशन या एड्रेस हो सकती है उस मेमोरी के लिए। Now we'll discuss about the types of memory. Basically, memory is of three types, that is primary memory, secondary memory and cache memory. Primary memory is also known as main memory. Basically, how does a computer works on the memory? The processes like if we want to search something out of the computer system, so when we will give the command will be registered into the CPU. The CPU will start searching for the same or the desired command in the cache memory. Then if it doesn't get it from the cache memory, then it will go to the main memory. And then if it doesn't get there also, then at the last stage is that is secondary memory. Now we'll talk about primary memory. Primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working. It has a limited capacity and data is lost when power is switched off. It is divided into two subcategories, RAM and ROM. Basically, primary memory वो memory होती है जिसमें आप computer के ऊपर अगर कोई working कर रहे हैं, जो current working आपकी चल रही है वो होती है primary memory. इसकी एक limited capacity होती है, और अगर आपने कोई चीज़ save नहीं की है, तो अगर आप उस computer को switch off करते हैं तो वो data lost हो जाएगा. It is divided into two subcategories, that is RAM and ROM. RAM is the acronym for random access memory. ये एक ऐसी टाइप की मेमोरी होती है जो कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस हो सकती है, और ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की। वॉलेटाइल मतलब कि अगर आपने इस जो भी डाटा आपने स्टोर किया है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं और अगर आपने डाटा स्टोर नहीं किया है, तो वो जो स्टोरेज बनती है वो होती है रैम की स्टोरेज, जो कि वॉलेटाइल है। यानी अगर आप उसको बिना सेव किए अगर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं, तो वो जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा। ये बेसिकली दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक रैम होती है और डायनेमिक रैम होती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एज ये वो वाली मेमोरी होती है जिसके अंदर आपकी जो परमानेंटली सेव्ड होती है। अगर आपने कोई भी डाटा स्टोर किया है और अगर आपने उसको परमानेंटली सेव किया है, देन इट विल बी रेजाइडिंग इन द रोम। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी। दिस आर सेमी कंडक्टर मेमोरीज, मतलब ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली कंडक्टर का यूज़ नहीं किया जाता है कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट इज इट इज़ नोन एज द मैन मेमोरी। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये वॉलेटाइल होती है नेचर में। अगर पावर स्विच ऑफ होता है तो डाटा लॉस हो जाता है, और जब आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं, जो वर्किंग मेमोरी के नाम से जानी जाती है, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स ऑफ द रिसेंटली ओपन फाइल्स, सो इट इज़ फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरीज। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइम मेमोरी। इट इज़ द रूल की अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल। इट इज़ स्लोअर दैन द मेन मेमोरी। दिस आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। CPU directly does not access these memories, instead they are accessed via input-output routines. The content of secondary memories are first transferred to the main memory and the CPU can access it. For example, disk, CD-ROM, DVD, etc. Here, जो secondary memory होती है वो एक external memory होती है और non-volatile होती है। ये basically ये slower होती है main memory से, और एक external part होता है computer का जिसको आप remove भी कर सकते हैं। But इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो data store किया जाता है वो permanently store होता है। आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, वो इनपुट आउटपुट रूटीन्स के थ्रू इसको एक्सेस करता है। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है परमानेंटली, तो यू कैन स्टोर इट इन द सेकेंडरी मेमोरी। बेसिकली जो एग्जांपल्स होते हैं वो इसके ही होते हैं। डिस्क, हार्ड डिस्क हो सकती है, सी डी रोम हो सकता है, डी वी डी हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, एक्सेट्रा। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नाउ
Now we will discuss about the characteristics of secondary memory. These are magnetic and optical memories. It is known as the backup memory. It is a non-volatile memory. Data is permanently stored even if power is switched off. It is used for storage of data in a computer. Computer may run without the secondary memory and slower than primary memories. बेसिकली इसके अंदर मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेथड का यूज़ होता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकें. ये एक बैकअप मेमोरी की तरह भी काम कर सकती है. नॉन वोलेटाइल होती है नेचर में और ये परमानेंटली सेव होती है. एक कंप्यूटर वो विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के रन कर सकता है. एंड दी बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मेमोरी इज़ कि इट इज़ स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी. इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. फिजिकल और वी कैन से प्राइमरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच वी कैन सी हियर. दिस इज द टाइप ऑफ अ रैम एंड दिस इज द टाइप ऑफ अ सेकेंडरी मेमोरी दैट इज फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क वी कैन से. कैशे मेमोरी एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है. बेसिकली इसकी एक लिमिट होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है. इट्स अप टू 150 MB. मोस्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ होती है ये. ये एक बफर की तरह काम करती है CPU और मेन मेमोरी के बीच में. बेसिकली इसका ये वर्क होता है कि जो भी चीज़ें फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, जो भी फाइल्स या फोल्डर्स जो रिसेंटली ओपन किए गए हैं, जो रिसेंटली देखे गए हैं, उनकी जो स्टोरेज होती है या जो पाथ लॉग होता है जिस वे में, या पाथवे जो लॉग होता है या लॉग इन पाथवे होता है, वो जितने भी स्टोरेज होती है या जो भी प्रोसेस होती है स्टोरेज की, वो सबसे पहले कैशे मेमोरी में होती है ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर सकें. हियर इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द PPT दैट इज प्रोसेसर. विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेसर. प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप दैट रेसाइड्स इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. द इट्स बेसिक जॉब इज टू रिसीव इनपुट एंड प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट आउटपुट. While this may seem like a simple task, modern processor can handle trillions of calculations per second. Processors that include two cores are called dual core processors, while those with four cores are called quad core processors. एक प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर वो एक चिप होती है जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रहती है. इसका एक जो बेसिक जॉब होता है, जो बेसिक वर्क होता है, वो ये होता है कि कमांड्स को रिसीव करना एंड देन टू परफॉर्म द एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस. मतलब रिसीव द इनपुट एंड प्रोवाइड द परफेक्ट और अप्रोप्रिएट आउटपुट रिगार्डिंग दैट. ये एक बहुत सिंपल टास्क हमें लग सकता है, बट बेसिकली अगर आपके पास एक प्रोसेसर है तो वो एक सेकेंड में, पर सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है. दैट इज नॉट ए टॉल सिंपल टास्क. प्रोसेसर जिनके दो कोर्स होते हैं, बेसिकली कोर्स होते हैं प्रोसेसर में, पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं. अगर ऐसा कोई प्रोसेसर है जिसके टू कोर्स है तो दैट आर नोन एज डुअल कोर प्रोसेसर्स एंड द प्रोसेसर विच हैव फोर कोर्स आर कॉल्ड क्वाड कोर प्रोसेसर्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द प्रोसेसर हैंडल्स ऑल द बेसिक सिस्टम इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोसेसिंग माउस एंड कीबोर्ड इनपुट एंड रनिंग एप्लीकेशंस. बेसिकली कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU. वो एक प्रोसेसर की तरह ही एक्ट करता है. इसका बेसिक काम ये होता है कि जो जितने भी इनपुट्स हैं वो ले और उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे की वर्किंग करें. बेसिकली हम जानते हैं ALU दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोसेसिंग विच इज हैंडल्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दस द CPU इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. बिसाइड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स ऑल्सो इंक्लूड अ GPU. दिस प्रोसेसर इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स दैट आर आउटपुट ऑन अ मॉनिटर. इट मीन्स दैट ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे काम होते हैं जो हम कंप्यूटर पे बेसिकली रैम रोम की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, वो हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ से कर सकते हैं. जैसे पर्टिकुलरली फॉर वीडियो गेम्स, फॉर वीडियो स्टेशन, प्ले स्टेशन, वी नीड टू हैव अ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इन आवर कंप्यूटर. सो दिस इज द सेकेंडरी, वी कैन से सेकेंडरी प्रोसेसर इन कंप्यूटर. वी कैन यूज It's on our choice. If you want to use, then we can use, and if you don't want to, then we can't. So this was all about memory, computer memory and processor. And thank you so much and have a nice day ahead.